10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की कायराना हरकत देखने को मिली है। आतंकियों ने घात लगाकर सेना के वाहन पर अटैक किया। आतंकियों के हमले में सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों को सुरनकोट के जंगलों में दहशत गर्दों के छिपे होने की आशंका है, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के अधिकारी ने बताया कि राजौरी सेक्टर के थाना मंडी इलाके में जवान पहले से चल रहे ज्वाइंट ऑपरेशन को मजबूती देने जा रहे थे, इसी दौरान आतंकियों ने हमला बोल दिया। 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। आज छत्तीसगढ़ में विष्णु साय कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 11:45 पर 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज रामविचार नेता ओपी चौधरी, ब्रिजमोहन अग्रवाल, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, श्याम बिहारी जेशवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, टैंक राम वर्मा और लखनलाल दिवांगन शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में पहली बार चुनाव जीते 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। 140 सांसदों के निलंबन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की अगुवाई में धरना होगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी सांसदों के संसद से निलंबन को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन ने आज के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज से दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक होगी। दोपहर 3 बजे बीजेपी ऑफिस में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन, सभी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक होगी। बैठक के बाद संगठन महामंत्रियों की बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में विकसित भारत संकल्प अभियान और लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी। 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज। लैंड फॉर जॉब मामले में आज तेजस्वी यादव ईडी के सामने उनकी पेशी होगी। इस मामले में ईडी 11 अप्रैल को तेजस्वी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव ने राउस एवेन्यू कोर्ट में विदेश यात्रा पर जाने के लिए अनुमति देने की मांग की अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा है। लालू यादव 27 दिसंबर को पेश होने के लिए उनको कहा गया है। गीता जयंती के मौके पर कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अमित शाह दोपहर 12:30 बजे कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ श्री देवकूप भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 1:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे और चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 4 बजे शाह चंडीगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मिशन 24 को लेकर कांग्रेस लोकसभा सीटों पर जल्द ही कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को नागपुर में बड़ी रैली होगी। खड़गे ने कांग्रेस CWC की बैठक में राहुल गांधी के सामने ईस्ट टू वेस्ट भारत जोड़ो यात्रा करने का आग्रह किया है और CWC मीटिंग में इस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। वहीं वेणुगोपाल ने कहा कि देश का मूड बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस तानाशाही और शासन के खिलाफ लड़ने जा रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष ब्रिजभूषण के करीबी संजय सिंह बने। संजय सिंह के जीतने के बाद बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रिजभूषण पर एक बार फिर हमला बोला और नाराजगी जताते हुए कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। इन सब के बीच अब से बस थोड़ी देर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। रणदीप सुरजेवाला और विजेंद्र सिंह मीडिया के सामने एक बार फिर इस मुद्दे को उठा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर बिल पारित हो गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब यह कानून बन जाएगा, कानून के लागू होने के बाद CJI चुनाव आयुक्तों के चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 3 आपराधिक कानूनों के स्थानों पर लाए गए विधायकों की मंशा बताई और कहा कि इनका उद्देश्य पुराने कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें एक्टिव हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 328 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,997 पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के अलावा गोवा में सरकार कोरोना संक्रमण पर पैनी नजर बनाए हुए।